बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। अफगानिस्तान क्रिकेट एक बार फिर से एक बड़ी वजह को लेकर चर्चा में, आईसीसी क्वालिफायर में उनको नहीं खेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। लेकिन इसके बावजूद अभी इसी महीने में ही अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई और टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलनी है। लेकिन उससे पहले एक खिलाड़ी ने टीम से बगावत शुरू कर दी और ये बगावत ऐसी है जो कहीं ना कहीं इसका असर आपको आने वाली सीरीज में दिखेगा और इसका असर आपको आने वाले वर्ल्ड कप में भी दिख सकता है। तो क्या कुछ खबर है उसी को लेकर आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हमारे जो बाकी के प्लेटफॉर्म है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फिर जुड़ जाइए। अब आते हैं दरअसल उस खबर पर। उस्मान घनी अफगानिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और लगातार अगर आप देखिए तो टीम से बाहर भी रहे हैं। कुछ ही मुकाबला उन्होंने खेला, लेकिन उन्होंने कल देर शाम जिस तरीके से ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भ्रष्टाचार या कहें जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर लगातार उस पर चर्चा छिड़ी हुई है और साथ ही उन्होंने उस वजह से क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया। अब आप इस खबर से आप समझ सकते हैं कि कोई खिलाड़ी एक खबर से इतना आहत हो गया है कि वो अपना देश का जो क्रिकेट जिसके लिए उसने बचपन से सपना देखा उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गया कि मैं अब इस देश से क्रिकेट नहीं खेलूंगा और तब तक नहीं खेलूंगा जब तक ये मैनेजमेंट यहां पर रहेगी। ये ट्वीट के माध्यम से उस्मान घनी ने ये सवाल खड़े किए हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको ट्वीट के, उनका ट्वीट भी स्क्रीन पर दिखाते हैं और आपको वो पढ़कर बताते हैं कि आखिर दरअसल उनके आरोप क्या है। तो काफी विचार करने के बाद मैंने अफगानिस्तान क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया है। क्रिकेट बोर्ड में चल रही करप्ट लीडरशिप की वजह से मुझे एक कदम पीछे लेना पड़ रहा है। मैं कड़ी मेहनत जारी रखूंगा और बेसब्री से सही मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी के आने का इंतजार करूंगा। ये शब्द है उस्मान घनी के, साथ ही उन्होंने इस ट्वीट का और एक हिस्सा अपने इस कड़ी में जोड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने अध्यक्ष से कई बार मिलने की कोशिश की, उनके ऑफिस गया लेकिन वो मुझसे नहीं मिल पाया और साथ ही मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया और मुझे टीम से क्यों बाहर किया गया इसका मुझे कारण भी नहीं बताया गया। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो हम बार बार देखते हैं कि सिलेक्शन को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं टीमों को लेकर कि अपना जो फेवरेटिज्म है ये कहीं ना कहीं वहाँ पर चलता है, इसको लेकर इस ट्वीट में कहीं ना कहीं ये जो ट्वीट का दूसरा माध्यम है वो छिपा हुआ हिस्सा, तो ये इनका कहना है। बाकी हमने देखा कि अफगानिस्तान क्रिकेट में इससे पहले भी कई बार सवाल उठे हैं जब वहां पर आपने देखा था कि राशिद खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे और उन्होंने कप्तानी इसलिए छोड़ दी थी कि जब टीम सेलेक्ट की जाती थी उनसे उनकी राय नहीं पूछी जाती, तो ये चीज था। लेकिन अगर बात करें उस्मान घनी के कैरियर की तो उनके कैरियर पर अगर एक बार नजर डालें, उस्मान घनी ने अफगानिस्तान की तरफ से साल 2014 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। अफगानिस्तान की ओर से उस्मान ने अब तक कुल 17 ओडीआई और 35 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। 17 एक दिवसीय मैचों में उनके बल्ले से 435 रन निकले हैं जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल है। वहीं अगर बात कर ली जाए 35 टी20 मुकाबलों में तो उन्होंने 107 के स्ट्राइक रेट से 786 रन बनाए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप उनके हाल फिलहाल के जो लास्ट के 7-8 ओडीआई मुकाबलों के स्कोर देखना चाहेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उस्मान घनी का जो फॉर्म है उस तरीके से बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ऐसे में उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके आरोप किस तरीके से हैं इस पर जरूर एक बार जांच का विषय है और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनके आरोप कितने ज़्यादा सही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान क्रिकेट को प्रभावित करेगी, असर इसका अफगानिस्तान क्रिकेट पर रहेगा। बाकी उस्मान घनी की बल्लेबाजी को लेकर या फिर उनके क्रिकेट को लेकर आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान दूसरी टीमों को कड़ी चुनौती दे पाएगी, अगर आपका जवाब हाँ या ना जो भी है अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल स्पोर्ट्स नाउ को आप अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज कर लीजिए और ऐसे हमें आप सपोर्ट करते रहें।